स्पेस चैनल एक्वाटोनी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने लिए और अपने एक्वेरियम के लिए कुछ नई फिशेस लेके आया हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। मुझे फिशेस काफ़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि आप जैसे सभी जानते हैं फिश लवर्स कि अभी बैग से जैसे कलकत्ता या मुंबई से जहाँ से भी सप्लाई होती है फिशेज की वहाँ से आ नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये डिमांड में मिली मुझे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि मैं कौन सी फिश लेके आया हूँ अपने एक्वेरियम के लिए। चलिए आपको मैं आगे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपने फिश एक्वेरियम के लिए ज़ेब्रा डेनियस और एम्बर टेट्रा लेके आया हूँ। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्टिव फिश होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच की होती है दोनों, और इनकी लाइफ स्टाइल और लाइफ ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ईयर्स जीती हैं। ये बहुत ही सुंदर होती है। ज़ेब्रा डेनियस में ब्लू स्ट्रिप्स भी आते हैं, गोल्डन स्ट्रिप्स भी आते हैं, ये काफ़ी सारे कलर में भी अवेलेबल होती हैं। फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं मैंने अपना एक्वेरियम क्लीन करके रखा हुआ है। अब ये थोड़ा ब्लर है क्योंकि मैंने इसमें मेडिसिन ऐड किया हुआ है, क्योंकि अभी ये नई फिशेज़ हैं और मैं अपनी नए शॉप से लेके आया हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें अभी मेडिसिन ऐड कर रखा है। आपको मैं ये दिखाऊँगा जब ये पूरा स्टेबल हो जाएगा वाटर। और आपको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई नई फिश लेके आते हैं अपना एक्वेरियम एकदम क्लीन रखिए और उसमें प्रॉपर मेडिसिन से मेंटेन रखें। अभी मैंने इसमें ग्रेविल और आर्टिफिशियल प्लांट ऐड कर रखा है। मैं अभी इसमें प्रॉपर सॉइल ओरिजिनल प्लांट ऐड करूँगा जो मैंने अभी अमेज़ोन से ऑर्डर कर रखा है, वो कुछ दिनों में भी आ जाएगा। इसमें मैं अभी एक और फिश भी ऐड करूँगा जो आप लोग के लिए सबके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। अब मैंने इसमें अपनी सारी फिशेस जो मैं नई लेके आया था अपने फिश शॉप से उन्हें एक्लिमिनेट करने के लिए रखा हुआ है। इन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट्स के लिए रखूँगा जिससे इनके वाटर का टेम्परेचर और मेरे एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, जिससे इन्हें स्ट्रेस ना हो। और फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई नई फिश लेके आते हैं उन फिशेज़ को एक्लिमेट ज़रूर करें जिससे उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, और पूरा दिन अपने एक्वेरियम को लाइट बंद करके रखें क्योंकि लाइट से फिश नई जगह में स्ट्रेस हो जाती हैं और उन्हें नया जगह में आके थोड़ा डर भी होता है, तो उन्हें सारा दिन फूड भी ना दें और उन्हें उनका एक्वेरियम का लाइट बंद रखें। आप दूसरे दिन उन्हें फूड दे सकते हैं और लाइट ऑन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं उन फिशेस को नेट के हेल्प से सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं एक्वेरियम में से लेके आया था फिश उनका पानी मैं ऐड नहीं करूँगा अपने एक्वेरियम में, क्योंकि अगर फिश शॉप में उनके एक्वेरियम में फंगस या बैक्टीरिया होगा तो वो मेरे एक्वेरियम में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी खुश है क्योंकि इनका टेम्परेचर इक्वल हो चुका है और ये बहुत एक्टिव होती हैं फिश। अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखे रहने दूंगा। आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें लाइट जला रखी है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं और अभी स्कूलिंग कर रही है क्योंकि ये नई जगह में आई है इसलिए थोड़ी घबराई हुई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने घर में अपने नए एक्वेरियम में फ़िश को ऐड कर सकते हैं। आपको ये भी करना चाहूँगा कि फ़िश का टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन रखें, जैसे अभी गर्मी हो रही है तो फ़िश का टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन रखें क्योंकि काफ़ी छोटी और नाजुक फिश होती हैं। इनमें आप फिल्टर ऐड करके रखें और नए फिश जब आप लाते हैं तो लाइट बंद रखें उस दिन पूरा दिन। अभी मैं इनको खाने के लिए प्रीमियम बाइट्स दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी वही पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था अभी मैंने ऑर्डर करा हुआ है तो इनके लिए सारा कुछ 1-2 दिन में सारा इनका सामान आ जाएगा जो मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो भी मैं आपको सबको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को मेरी ये वीडियो? आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और मेरी फिशेस भी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ कि उनको भी ऐसी ही नॉलेज वीडियो मिलती रहे आगे भी, और उस बेल आइकन को टैप कीजिए कि मैं आगे जो भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे प्रॉपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।